मैं कहूँ तो यकीन करोगे? देखो, हमारे ख्वाब दूर हैं, बहुत दूर हमसे, और हकीकत, हमारी हकीकत हमारे साथ। मगर हकीकत की कुछ तस्वीरों से घबराकर अगर हमने आंखें मूंद ली तो दूर कड़े ख्वाबों को कैसे देख पाएंगे, है ना? आज के गम यह तय नहीं करते कि कल खुशी आएगी या नहीं। हे, इफ़ यू आर न्यू टू दिस वीडियो, देन आई एम हिमांशी एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट अवर डे विद दिस ब्यूटीफुल होप। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही अच्छी कहानी शेयर करने वाली हूँ, वो आपको बाद में बताई जाएगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। तो दोस्तों, मैं सुबह उठी, उठने के बाद मैंने अपने डेली रूटीन के वर्क किए, नहाना धोना किया, खाना पीना किया, कुछ ब्रेकफास्ट किया खाने पीने में, और फिर उसके बाद मैं अभी वोकैबुलरीज रिवाइज कर रही हूँ नीतू मैम वाली बुक से, एंड इसके बाद हम करेंगे लंच। तो दोस्तों, कहानी ये है कि एक गांव में आग लग गई। सोचो, अपने दिमाग में सोचो साथ साथ में कि एक गांव में आग लग गई, और वहां पर एक बूढ़ा था जो चल नहीं सकता था, तो वो आग से बाहर कैसे जाए, और सभी चले जाते हैं भाग भाग के, वो बेचारा रह जाता है। तो एक जवान आता है वहाँ पे, और वो अंधा था, और उसको देख नहीं सकता कि कहाँ आग है। वो चलता, उसको गर्म सा लगता, वो पीछे हट जाता। तो वो बूढ़ा इंसान जो था वो उन्हें देख रहा, तो वो उनसे बोला कि चलो आप मुझे कंधे पे उठा लो, मैं देखूँगा और तुम चलना। तो हमेशा ऐसा करना चाहिए हमें। क्या आप क्या सीखे इस वीडियो से? हमने ये सीखा कि हमें जो जोश है वो अपना जवानों वाला रखना चाहिए, लेकिन जो सोच है, जो देखने का नज़रिया है, वो हमें बुज़ुर्गों से सीखना चाहिए। हमें अपने घर के बुज़ुर्ग, चाहे मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी कोई भी हो, उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने, चाहे आज का जो ज़माना है वो सब बाहर निकल के ना देखा, लेकिन जो दुनिया है, दुनिया में किस प्रकार के लोग हैं, उन्हें उसका बहुत अच्छा तजुर्बा है, और हमें उन सब की बातें सुननी चाहिए, अच्छे से माननी चाहिए, और उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहिए, क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी हमारे साथ नहीं रहने वाले। हमारे दादा दादी जो है, आगे की ज़िंदगी हमारे ऊपर ही होती है, लेकिन जितने दिन भी हैं उनको बिल्कुल अच्छे से रखो, उनके पास थोड़े टाइम के लिए बैठो, आप बहुत कुछ सीख पाओगे। जी हाँ दोस्तों, हमारी जो लाइफ की किताब होती है वो पहले से लिखी होती है, लेकिन अब ये आप सोचोगे कि पहले से लिखी है तो हम क्या कर रहे हैं कोशिश, जो लिखा है वो तो होना ही है, लेकिन भगवान ने कुछ पेजेस पे ये भी लिखा हुआ है, एज़ यू विश। तो इसलिए काम करते चलो, कर्म करते चलो, मेहनत करते चलो, आपकी ज़िंदगी अपने आप अच्छी हो जाएगी। और कभी भी ऐसे मत करो कि मेरे साथ ऐसे हुआ वैसे हुआ, जैसा कि मैंने बोला पहले कि आज की हकीकत आने वाले कल को नहीं करती कि वो सही होगा या गलत होगा, वो सब होता है हम पे डिपेंड। ओके दोस्तों, अपनी ज़िंदगी इतने अच्छे तरीके से जियो कि अगर आपसे कभी गलती हो भी जाए तो लोग आपको नहीं, आपके समय को गलत ठहराए, कहे कि बंदा तो अच्छा है, इसका समय ही गलत चल रहा है। दोस्तों, आप अपना टाइम बिल्कुल भी फालतू चीज़ों में वेस्ट मत किया करो, आप अच्छे से पढ़ा करो जिस चीज़ में आपका मन करता है, अपनी लाइफ को एंजॉय किया करो, कभी ऐसे टेंशन मत लिया करो कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है, कुछ भी मत सोचा करो ऐसा, हमेशा पॉजिटिव सोचा करो, क्योंकि ये समय वापस नहीं आएगा, ये उम्र वापस नहीं आएगी, ये यादें वापस नहीं आएंगी, और बाद में सिर्फ पछताना ही रह जाएगा। तो इसलिए एंजॉय योर लाइफ, हैव फन, बट Not forget to study, okay? दोस्तों, आज मेरा आप सभी को एक बहुत अच्छी लाइन बताने का मन है। अभी तक मैंने बहुत सारी लाइन्स बता दी हैं क्योंकि आज मेरे मन में यही सब चल रही है, तो एक और लाइन बताने का मन है। क्या पता आपने सुनी हो, क्या पता ना सुनी हो, अगर एक दो को भी नहीं सुनी तो अच्छा सा कमेंट कर देना, और अगर सुन ली तो भी कर देना। तो दोस्तों बताइए, सबसे ज़्यादा ज़िंदगी पे विश्वास किसको है? सबसे ज़्यादा ज़िंदगी के पे विश्वास है मनुष्य को, बताओ कैसे? क्योंकि गारंटी अगले मिनट की भी नहीं है, और रिचार्ज पूरे महीने का करवाते हैं मानते हो?
आप सबको पता ही है कि मेरे कॉलेज में एग्ज़ाम्स होने वाले, इसलिए मैं अभी कॉलेज का ही कर रही थी। तो मैंने हिंदी इंग्लिश की, इंग्लिश मैंने जो SSC की वो सुबह कर ली थी, और अभी एडवांस कैलकुलस की बारी है तो मैंने ये सब किया। और अभी सूरज डूबने वाला है तो मैं बाहर आ जाती हूँ अच्छे अच्छे व्यू को देखने के लिए। और यहाँ पे कबूतर चिड़िया उठ रही हैं, जिनको देख के मेरा भी मन किया कि काश मैं भी ये होती और मैं भी सारा टाइम उठती रहती। और फिर इसके बाद मैंने आके किया था मैथ्स, और फिर मेरे को याद आ गया काम भी करना है भाई घर का। अब मम्मी को इतना सारा काम तो हम नहीं करवा सकते, कुछ तो खुद को भी करना चाहिए। तो उसके बाद फिर मैं चली जाती हूँ किचन में एंड बर्तन साफ करती हूँ। और जाते जाते एक और अच्छी लाइन मैं आपको बताना चाहती हूँ दोस्तों, आज की जो जनरेशन है उसको, जैसे कि हम हैं, उसको दुनिया से फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे। उनको फ़र्क पड़ता है अपने पेरेंट्स से कि मेरे मम्मी पापा मेरे बारे में क्या सोचते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे आजकल गलत कदम उठाते हैं, वो भी अपने पेरेंट्स को ही सॉरी लिखते हैं, किसी बाहर वाले को नहीं लिखते, क्योंकि उनको पता है कि पेरेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और हम ये गलत कदम उठा रहे हैं तो उनको बहुत हर्ट होगा। तो सिर्फ और सिर्फ हमें अपने पेरेंट्स के लिए देखना चाहिए, अपने पेरेंट्स को इतना प्राउड फील करवाओ कि 10 लोगों के बीच में वो खड़े हों और वो हक से बोले, पूरी प्राउड से बोले कि हाँ ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। तो दोस्तों अब मैं इस व्लॉग का करती हूँ एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हर हर महादेव।